ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले जो बातें उठी थी वो बीजेपी के लिए, जो सवाल उठे थे वो बीजेपी के लिए, तो सीधे मैं प्रेम शुक्ला का रुख करती हूँ। प्रेम जी, शोएब जमई से लेकर अतिकुर रहमान, इन दोनों ने आपके लिए सवाल उठाए थे और ये कहा था कि योगी सरकार को ये फैसला पहले ले लेना चाहिए था। और ये उन दिनों की बात है जब इस मुद्दे पे जब हम बात भी करते थे तो खूब विवाद होता था, यानी अजान के मुद्दे पे या लाउडस्पीकर के मुद्दे पे। प्रेम जी देखिए किस तरह से झूठ बोलते हैं कुछ लोग, भाजपा द्रोह में कैसे अंधे हो गए हैं, इसका ये सीधा सबूत है। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर 2016 में उतर गया, तो फिर विवाद किस बात का है? फिर जब राज ठाकरे कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर उतारो और लाउडस्पीकर पहले से ही उतर गया है तो विवाद होने की आवश्यकता ही नहीं थी। चूंकि महाराष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, मुंबई हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी, आज भी, अभी इस वक्त भी, अगर आप जाकर महाराष्ट्र मुंबई के ठाणे पुणे नासिक के किसी भी मस्जिद के बाहर खड़े हो जाइए, वहां 5 वक्त लाउड स्पीकर से अजान दी जा रही है। तो कैसे लोग जो है रमजान के महीने में भी झूठ बोलते हैं, ये आपके सामने स्पष्ट है। अच्छा, अब ऊपर से कह रहे हैं कि जहां पर ये सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, जहां पर ये लाउड स्पीकर उतर गया है उस पर तो अवमानना का मामला ले लो। प्रेम जी एक अपडेट, और जहां पर अभी भी अवमानना जारी है उसको पुरस्कृत करो। अभी जो आप महाराष्ट्र की स्थिति बता रहे हैं वो शायद आप महाराष्ट्र में रह के बता रहे हैं, है ना? हाँ, मैं महाराष्ट्र मुंबई में बैठा हूँ, मेरे घर से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर हिंदू बहुल इलाके में एक मस्जिद है। कल अलविदा की नमाज थी, जोर से अजान दिया गया, सड़क जाम कर दी गई, हाईवे था, हाईवे जाम कर दिया गया। अतिकुर रहमान जी, तो अब आप हाईवे जाम कर रहे हैं, अजान दे रहे हैं लाउडस्पीकर से, और हनुमान चालीसा पढ़ना यहाँ जो है वो राजद्रोह हो गया है। यानी आपकी जो है सामाजिक सौहार्द की स्थिति ऐसी है कि आप अगर लाउडस्पीकर से अजान दे तो सामाजिक सौहार्द बेहतर होता है, और अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ दे तो राजद्रोह हो जाता है। यह तो स्थिति है। तो भाई आप बारंबार सर्वोच्च न्यायालय के, मुंबई हाईकोर्ट समेत 16 उच्च न्यायालयों के निर्णयों का दिन रात अवमानना करिए, और यह आपका शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण स्थिति है? एक बार सुन लेते हैं अतिकुर रहमान जी। जी रीमा जी, जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए रीमा जी। देखिए हम तो चाहे रमजान हो चाहे रमजान ना हो, झूठ बोलना हमारी फितरत में नहीं आता है। अलबत्ता सत्ता के लालच में कुछ लोग जरूर अंधे हुए फिर रहे हैं। यहाँ पर देखिए रीमा जी, बात इतनी साफ है, इतनी साफ है कि आपके दर्शक लाउडस्पीकर पर मुंबई में चल रही कि नहीं चल रही, आपका सत्य सामने आ जाएगा। हाँ मैं बताऊँ, लाउडस्पीकर पर अजान मुंबई में हो रही है कि नहीं हो रही है, जवाब दे रहा हूँ। मुंबई में लाउडस्पीकर से अजान हो रही है कि नहीं हो रही है? इस झूठ को आप बारंबार बोलकर आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि रमजान के महीने में शैतान झूठ बोलने पर आमादा रहता है, जो इस्लामिक मान्यता है उसको प्रूव कर रहे हैं आप। जरा क्या छुपाना चाह रहे हैं? लाउडस्पीकर पर अजान है कि नहीं है मुंबई में? सीधा सवाल सुनिए ना। अरे लाउडस्पीकर पर अजान हो रही है कि नहीं हो रही मुंबई में? नफरत क्यों फैलाते हैं प्रेम जी? नहीं, लाउडस्पीकर पर अजान हो रही है कि नहीं हो रही, नफरत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन है, नफरत का भाव आपको क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आप अलकायदा के चरणों को चाट कर स्वयं को धन्य पाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि तालिबान की नीतियों में आपका विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के आप तालिबान पहुंच गए। अरे इनका खाना ही हजम नहीं हो सकता है, तालिबान पाकिस्तान हजम हुआ पड़ा है। सही कहा है, फोकट का खा रहा हूँ, खैर पड़ोस में पाकिस्तान, पाकिस्तान और मुल्क में मुसलमान नहीं होता, तालिबान की तारीफ का खा रहा हूँ, बीजेपी को कोई सूखने वाला नहीं होता हूँ, हाँ आईसीस के एजेंट बनकर खा रहा हूँ, हाँ मैं अपना जो है अच्छा जा रहे श्रम से आए हैं, अच्छा जा रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी नफरत फैला रहे हैं आप। रीमा जी वो मैनेजिंग एडिटर का जो अवार्ड मिला है, एक आध अवार्ड इनके लिए भी, एक आध अवार्ड इनको भी दिला दीजिए, आईसिस के समर्थन में नफरत फैलाने का अवार्ड इनको भी दिला दीजिए। प्राणी नहीं हूँ, नफरत नफरत फैलाने का अवार्ड इनको मिलना चाहिए। आपका देश में नफरत फैलाने का अवार्ड जाता है बीजेपी के नफरत। अरे प्रेम शुक्ला जी, आपकी फितरत क्या है?
नफरत फैलाने का अवार्ड जाता है बीजेपी के स्पोक्सपर्सन प्रेम नफरत शुक्ला जी को। लाउड स्पीकर से अजान का मुद्दा अगर मैंने ऑब्जेक्शन ले लिया, मैं संविधान का पालन करने की बात करूं तो नफरत ये शरीयत है, हलाला के समर्थन में खड़े हो जाना, ये हलाला को हम संविधान समर्थक जो है वो नफरती, वाह 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 वाह, क्या मानदंड है इनका? जवाब नहीं सुना रीमा जी, इन्होंने जवाब नहीं सुना, तर्क वाला जवाब नहीं सुना इन्होंने। चांद जी एक बार आप अपना मुद्दा बताइए। हलाना, मैंने आपसे शुरू में ही डिबेट में कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है और महाराष्ट्र में आने वाले समय में चुनाव है। प्रेम जी ने क्या बात कही कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान सुनाई दे रही है। देखिए, अगर मस्जिदों पे लाउड स्पीकर महाराष्ट्र में लगे हैं तो मंदिरों पे भी लगे हैं। आवाजें चाहे किसी का भी धर्म स्थल हो महाराष्ट्र में, सब जगह है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है वो बिल्कुल स्पष्ट है महाराष्ट्र में। लेकिन प्रेम शुक्ला जी केवल केवल मस्जिद की बात करके हिंदू और मुसलमान की बात करना चाहते हैं, ये देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश की अवहेलना। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस वक्त, आप बीजेपी के सवालों का जवाब दीजिएगा भी और पूछिएगा भी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप बार बार जो चुनाव का मुद्दा लेकर आ रहे हैं उसके पीछे क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाकई चुनाव खत्म हो चुका है। पहले सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, चुनाव खत्म हो चुका है, वहां सीएम योगी आदित्य अगर चाहते तो नहीं भी इस मुद्दे को छेड़ते, लेकिन उनकी इस बात की तारीफ हो रही है कि हिंदू मुस्लिम, जिसको आप सब ने कहा, सारी पार्टियों ने कहा, सारे नेताओं ने कहा कि बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है, टच करोगे बहुत विवाद होगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में स्पीकर हटवा भी दिए, चाहे वो मंदिर की बात हो या फिर मस्जिद की बात हो। अब आप महाराष्ट्र को लेकर क्या कहना चाहते हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए रीमा जी, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब न्यायालय का आदेश का पालन किया है और सबको बधाई। मैंने तो महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है, तो राजस्थान में क्या दिक्कत है, तो बिहार में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। आदेश क्या, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सिर्फ मस्जिदों से या सिर्फ मंदिरों से या सिर्फ लाउड स्पीकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में हटाए जाए? क्या ये कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने? रीमा जी, हाँ। रीमा जी, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि क्यों नहीं दूसरी सरकारें उनको भी इस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना चाहिए। और कहीं भी मैं समझता हूँ, चाहे राजस्थान में रहने वाले लोग हों या महाराष्ट्र में रहने वाले आम लोग हों, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, तो आप मानते हैं ना, तो आप मानते हैं ना कि राजस्थान की सरकार सियासत कर रही है? नहीं, तो सरकारें के गाइडलाइंस के बावजूद लोग सड़कों पे बैठ रहे हैं, वहां पे लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। रीमा जी, शुभ्रता जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे? नहीं नहीं, रीमा जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अगर राजस्थान की सरकार अकेले, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में उनकी गठबंधन की सरकार है, अकेले ये गठबंधन कांग्रेस वाले ही राजनीति नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उस राजनीति में अपने हाथ को काप रही है। कांग्रेस कर रही है ना राजनीति? कांग्रेस राजस्थान में महाराष्ट्र में कर रही है ना राजनीति? नहीं, भारतीय जनता पार्टी करना क्या है, इत्मीनान से उतारी तो देना है जो उत्तर प्रदेश में हुआ। आपको ये कहने में हिचक क्यों है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ अगर वो महाराष्ट्र और राजस्थान में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सियासत महाराष्ट्र और राजस्थान में है, ना कि उत्तर प्रदेश में? इतनी सिंपल सी बात है। उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश में बिजली मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, उन पे चर्चा कहां हो रही है? इमली की बात करना तो हम आप ही से सीखते हैं। नहीं नहीं रीमा जी, आप मामले में इमली की आप तुलना कर सकती हैं, लेकिन आप जो सुनना चाहती है जरूरी नहीं कि मैं क्या। अगर मैं डिबेट इस वक्त कर रही हूँ उत्तर प्रदेश पे, तो आप मुझे बोलेंगे महंगाई पे बात कीजिए, आप कहेंगे पेट्रोल पे बात कीजिए, आप कहेंगे बिजली पे बात कीजिए। राजस्थान की बात क्यों हो रही है? मैं बुला लूंगी ना, क्यों? मैं बताती हूँ, आपके पीछे मैं ना आने वाली, मुद्दों से भटकाइए मत, कहिए कि जयपुर में सियासत है। श्रीवास्तव जी,